शोभा पोरवाल क्रिएशंस में आज हम जिस वीडियो को शेयर करने जा रहे हैं वह बच्चों के लंच बॉक्स से रिलेटेड है। रोज मम्मीज नए नए टिफिन बच्चों को बांध कर देते हैं, नई नई डिशेस उनको बना करके देते हैं, लेकिन जब टिफिन का डब्बा घर में वापस आता है तो वह देखते हैं कि वैसा के वैसा ही वापस आ गया। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आज हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वह बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही उपयोगी है। मम्मीज की कंप्लेन भी खत्म हो जाएंगी कि उनके बच्चे टिफिन नहीं खाते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी खाना खाएं, फास्ट फूड न खाकर वह घर की चपाती सब्जी खाएं, वो ज्यादा अच्छे हैं। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह चपाती जो सारी मम्मीज बनाती हैं बच्चों के लिए फ्रेश। उसके अलावा जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह है रेगुलर सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, यह ऑप्शनल है, चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर। इन चीजों से आप देखेंगे कि बच्चे कितने शौक से आपकी वही रोटी जो रोज वो वापस ले आते हैं आज खत्म करके आ गए हैं। इसके लिए हम चपाती लेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप छोटे साइज की चपाती बनाइए स्पेशली, जिससे वो शौक से खा सके। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप थोड़े बड़े साइज की चपाती बनाइए, रेगुलर साइज की, जो आप रोज घर में बनाते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए घी, बिल्कुल थोड़ा सा घी हम लगाएंगे जिससे कि ये मसाले इस रोटी के ऊपर चिपक जाएं। अगर आपकी रोटी में घी लगा हुआ है तो आपको ऊपर से और घी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इन मसालों को स्प्रिंकल करेंगे इन रोटियों पर। यह देखिए रेगुलर सॉल्ट है, इसे हम इस तरह से इस पर छिड़क देंगे। हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर जो सिर्फ फ्लेवर के लिए होगा, टेस्ट के लिए नहीं, वरना तीखा लगने से बच्चे खाएंगे नहीं। भुना जीरा पाउडर, काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट। मसाले बिल्कुल आप हिसाब से डालिए जिससे बच्चों को नमक भी ज्यादा ना लगे, वरना एक बार अगर इस रोटी का इम्प्रेशन खराब हो जाएगा तो दोबारा वो टेस्ट करना नहीं चाहेंगे। और ये है चाट मसाला। इसी तरह से आप दूसरी छोटी रोटी भी तैयार कर लीजिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला है। इसमें हमने घी लगा दिए, फिर वैसे ही हम इसमें नमक लगाएंगे, पहले भुना जीरा, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर। यह भी ऑप्शनल। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है और मान लीजिए 3 साल से उसकी उम्र कम है तो आप ब्लैक पेपर भी मत डालिए। अब इसे हम रैप कर देते हैं। अगर आप इस तरह से उन्हें सर्व करते हैं तो आप उन्हें यह बोल कर दीजिए कि आपने उनके लिए मसाला रोटी बनाई है। और अगर आप टिफिन में दे रहे हैं तो टिफिन में आप इस तरह से रोल करके अच्छी तरह से उन्हें दे दीजिए। देखिए इस तरह से। अब आप उनके टिफिन में यह 2 रोटियां रख दीजिए। साथ में आप कुछ वेफर्स रख सकते हैं या मनपसंद स्नैक्स उसमें रख सकते हैं। इस तरह से उनके डब्बे में आप रख दीजिए और उनके लंच बॉक्स को बंद कर दीजिए। जब घर वापस आएंगे तो आप देखिएगा आपको यह डब्बा खाली मिलेगा। थोड़े बड़े बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं, अबव 6 ईयर्स आप बना रहे हैं, तो थोड़े बड़े साइज की रोटी लीजिए, उसमें भी आप घी लगाइए। और अगर पहले से घी लगा हुआ है रोटी में तो घी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इस रोटी को भी हम घी या बटर आप लगा लीजिए। अब इसमें फिर हम मसाले छिड़केंगे। देखिए ये सॉल्ट है, ये ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर। बड़े बच्चे हैं आप इसमें ब्लैक पेपर आराम से स्प्रिंकल कर सकते हैं। भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालिए। इसके बाद रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली पाउडर जो है वह बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि उन्हें बहुत ही स्पाइसी और चटपटा फूड मिला है। देखिए, और ये बच्चों के टेस्ट के हिसाब से आप इसे डालिए, और या फिर ये ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे डालिए। फिर वही कहना चाहूंगी, अगर आप उनको स्कूल से आने के बाद या स्कूल जाने से पहले आप उन्हें अगर देते हैं इस तरह की चपाती, तो आप इसे ऐसे ही खुली दीजिए।
उसे रोल मत करिए। चपाती के ऊपर जो मसाले बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, वह उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एक चपाती खाने के बाद वो दूसरी आपसे जरूर मांगेंगे। और अगर आप स्कूल में उन्हें दे रहे हैं तो बड़े बच्चे हैं, आप उन्हें 4 folds पे करके दे सकते हैं इस तरह से, और या फिर आप उसे ऐसे ही रोल कर दीजिए जैसे छोटे बच्चों के लिए रोल किया था। बच्चों की सुविधा के हिसाब से आप उन्हें रैप करके दे सकते हैं लंच बॉक्स में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एक ही टेस्ट खाते खाते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए कभी कभी आप ऑप्शनल तौर से दे सकते हैं। जैसे आपके पास जैम है, किसी भी ब्रांड का जैम है जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप थोड़ा सा उसे रोटी पर लगा दीजिए। बच्चे जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज्यादा जैम आप इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और इस तरह से इसे भी रोल कर दीजिए। देखिए इस तरह से इस जैम वाली रोटी को भी आप रोल कर दीजिए और इन्हें 2 पीस में कट कर दीजिए। इस तरह से कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इस तरह से उनके चपाती को इसमें अरेंज कर सकते हैं, या देखिए इस तरह से आप उसमें अरेंज कर दीजिए। इस तरह से जैम वाली रोटी आप रख दीजिए। साथ ही इसमें आप कोई स्नैक्स अगर रखना चाहते हैं उनके टेस्ट चेंज के लिए तो वह भी रख सकते हैं, जैसे थोड़ी भुजिया रख दीजिए या 2-4 वेफर्स रख दीजिए या उनके मनपसंद सब्जी इसमें रख दीजिए। सब्जी मेरे पास अभी नहीं है बनी हुई, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। इस तरह से आप उनका लंच बॉक्स पैक करके दे सकते हैं। यह देखिए, ये छोटे बच्चों का टिफिन, ये बड़े बच्चों का टिफिन है। और आप देखेंगे अबव 3 years to 14 years तक बच्चे इस टिफिन को बहुत पसंद करते हैं और इस तरह की रोटी को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यह हमारा लंच बॉक्स रेडी है। यह बड़े बच्चों के लिए है और यह छोटे बच्चों के लिए। एक तो लंच ब्रेक में उन्हें खाने में सुविधा होती है, खेल खेल में उनका टिफिन भी खत्म हो जाता है, आप भी खुश कि आपके बच्चों ने टिफिन खा लिया, बच्चे भी खुश कि उन्हें मनपसंद उनका खाना मिल गया। आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है, यह एब्सोल्युटली फ्री है। धन्यवाद।